जो मैडम किरण चौधरी रही हैं उनके गढ़ के अंदर जो है हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने पाला बदल दिया है, इस चीज का कितना फर्क पड़ा? कॉलेज में जितनी भी सीटें हैं सरदा कॉलेज, उसमें हम उन बहन बेटियों को फ्री में शिक्षा देने का काम करेंगे। अब कोई देरी नहीं है, डेढ़ दो महीने सिर्फ बाकी बचे और आज जिस तरह का आप माहौल देख रहे हो तो ये अपना आप में एक ट्रेलर सबसे नंबर वन पर है और रहेगा। पार्टी से टिकट मिलो और चाहे ना मिलो, मिलेगी पार्टी टिकट मिलेगी। मैडम का कोई प्रभाव नहीं है, मैडम बंसीलाल का भविष्य गद्दार में लगा दिया मैडम। तो आगे दिखा दे और अभी यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि एक सिर्फ धन्यवादी दौरा था, लोकसभा चुनाव के बाद जनता से नहीं मिले थे लेकिन पहली बार लोकसभा चुनाव होने के बाद में यहाँ पे पहुंचे क्योंकि लोहारू से बड़ी जीत के, क्योंकि मंत्री जी का हलका रहा और इस मंत्री जी के हलके के अंदर 8 से 10 हजार मार्जिन के अंतर से जीतना बड़ी बात हो जाती है। पटिया समाज सेवी जिन्होंने लोहारू हलके के अंदर एक अलग अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने हर एक नेता के चेहरे के ऊपर पसीने लाने का काम किया है और ये तस्वीरें हैं देख सकते हैं आप, बहुत कुछ बदलाव के हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में और भाई ये भीड़ देख रहा है आप, इस भीड़ ने तोड़ पाड़ दी है लोहारू हल्के में कई लोगों के कलेजे में ये भीड़ जाके लगी है क्योंकि इस भीड़ ने बहुत कुछ बदलने का काम किया है। राव दान सिंह लोकसभा चुनाव होने के बाद पहली बार यहाँ पे धन्यवादी दौरे के ऊपर पहुंचे हैं और यहाँ पे लोगों के साथ में संबोधन में उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से आने वाला समय आपका होगा, विधानसभा चुनाव तो होंगे 2 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से आप लोगों ने राजवीर सिंह फटे और रावदान सिंह के समर्थन के अंदर एक बदलाव की स्थिति यहां पे लाने का काम किया है, उस बदलाव की स्थिति को आप लोगों ने बरकरार रखना है और यहां पे रावदान सिंह जी से और राजवीर सिंह फटिया जी से बातचीत करेंगे लेकिन राजवीर सिंह फटिया ने आज अपना एक बार दोबारा से कलेजा दिखाते हुए एक घोषणा और कर दी है कि उन्होंने अपने सिंघाणे के अंदर जो उनका एक शारदा कॉलेज है उसके अंदर इस साल के लिए यहाँ पे लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन की घोषणा कर दी है। अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार महिलाओं के लिए कन्यादान पॉलिसी चला रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ लड़कियों के लिए जिन्होंने बसें चलाने का काम किया है वो भी अपने आप में बड़ी बात है लेकिन शिक्षा के स्तर को उठाना चाहते हैं ये वास्तव में अपनी बड़ी बात है। और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि रावदान सिंह यहाँ पे पहुंचे हैं, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और उनसे हम खास बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए और थोड़ा सा आगे कैमरा करके दिखा दे कि किस प्रकार आज के इस बदलती हुई स्थिति के अंदर रावदान सिंह जी ने एक नया पल्लू शुरू किया है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम। कौन सी जगह से आए हो? बीजवान गांव से। बीजवान गांव से। ये जो रावदान सिंह का धन्यवादी दौरा है, रावदान सिंह चुनाव मैदान में थे, क्या लगता है कि ये जो चीज है वो विधानसभा में बन पाएगी लगातार? ये राजवीर फटिया को टिकट मिलेगी ना तो आम आदमी इसके पीछे है और ये करियर जीत कांग्रेस सामने कोई भी व्यक्ति आए चाहे सामने मंत्री आए मंत्री आए कोई भी आए जाए दलाल आए खट्टर भी नहीं आ जाए अच्छा। भी आओ गए यहाँ से फटिया क्लियर है कोई रोकने वाला किसके साथ हो? राजवीर फटिया साथ। राजवीर फटिया क्या बात है? बीजेपी की जियो कोई सारा ही राजवीर ने जाओ अभी जमाने से को लगड़ जा रहा और आदमी की दो कोई आ जाओ चाहे बेसिक आपका कुछ कहना आज का जो प्रोग्राम है इतनी भीड़ है धन्यवाद दौरे का क्या बनना? राजवीर पंडिया बीजे घोषित है यार दुआरू हल्के से बीजे घोषित है। क्या कहना आपका बारे में इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है जो धन्यवाद दौरा है? देखो जी धन्यवाद दौरा आज रावदान सिंह का और राजवीर फटिया जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी है उन्होंने रखा है और आज लोहारू हल्का के अंदर जो हमारे दान सिंह को जिता के भेजा उसकी खुशी में ये हम मना रहे। अभी देखो लोहारू हल्के से जीत हुई है रावदान सिंह जी की लेकिन मतलब जो मार्जिन रहा लोहारू हल्के से मंत्री जी का हल्का होते हुए जो यहाँ पे मतों का रिकॉर्ड का हुआ क्योंकि 8 हजार मार्जिन से जो इन्होंने यहाँ पे जिता है कुछ और पब्लिक है जी नमस्कार। प्रोग्राम है किस प्रोग्राम की तैयारी है ये अगले चुनाव की तैयारी है और राजवीर फटिया तीन जोन है लोहारू हल्के के तीनों जोन में फास्ट है बिल्कुल तीनों हल्के। देखो कुछ और लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हो आप? बैल ब्लॉक से हूँ। बैल ब्लॉक से इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये कांग्रेस पार्टी अभी कहीं अटकने वाली नहीं है, ऑल इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं हरियाणा के अंदर तो पहले नंबर पर है कांग्रेस पार्टी, आगे इसका मुद्दा नहीं है।
जानी जानी है, लाल तीनों थे, तीनों लाल गए। देखो कोई भी मंत्री रही है, कोई मंत्री नहीं है, के परिवार से रही है, कोई नहीं है, ये एक एक छोटे से गरीब परिवार से था। आज ये दानी दानी वीर सिंह है और आपका नाम दानी वीर सिंह रखा गया, ना कि राजवीर रखा गया। राजवीर तो बाद में, पहले दानी वीर सिंह है। लोहारू हल्के में क्या सबसे नंबर वन पर है और रहेगा? पार्टी से टिकट मिलो और चाहे ना मिलो, मिलेगी पार्टी टिकट मिलेगी, 100% टिकट मिलेगी 100% मिलेगी, हम दिलाएंगे। देखो जनता जनार्दन होती है, टिकट जनता के हाथों में होती है, जनता अगर पीछे होती है तो वो पता नहीं राह चलते व्यक्ति को टिकट दिलवा सकती है। जी दाऊजी राम राम। आज कहां से वो आप? हम रानी लक्ष्मण डिगावा। तो क्या कहना इस भीड़ के बारे में, क्या प्रोग्राम? ये राजवीर फटिया की भीड़ है, टिकट मिलेगी राजवीर फटिया को, जीतेंगे यहाँ से। मैडम का कोई प्रभाव नहीं है, मैडम बंसीलाल का भविष्य गद्दार में लगा दिया, मैडम सुरेंद्र जी का नाम मिटा दिया, बंसीलाल जी का नाम मिटा दिया। अच्छा, वोटर नहीं जाएगा, मैडम गई है, वोटर नहीं गए, वोटर नहीं जाएगा, मैडम गई है, बंसीलाल का सुरेंद्र जी का नाम मिटा दिया। हम बंसीलाल के आशी है लेकिन हम मैडम के साथ नहीं जाएंगे। काफी संख्या के अंदर लोग पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, इस किस प्रकार का संकेत है? ये संकेत है आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की लहर है। ये जो वोट थे, ये जो वोट नहीं वर्कर थे और सभी कांग्रेस के वर्कर, और दिल से ये कांग्रेस की सरकार लेना चाह रहे। जो धन्यवादी दौरा हुआ है, राव दान सिंह को लोहारू हल्के ने तो जिता दिया, लेकिन जो ऑल ओवर की अगर बात करें हम, ऑल ओवर के अंदर भाई उनको मतलब हार तो देखो स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन विधानसभा के अंदर जो भी कैंडिडेट होगा उसको उनकी वजह से कितना फायदा हो पाएगा? देखो जो वोट थे वो कांग्रेस के थे, भाई राजवीर फटिया के थे, और जो भाई राजवीर फटिया हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी बन के आएंगे वो भारी बहुमत से जीतेंगे। बच्चों की जो एज थी वो एज क्रॉस कर गए, उसके बाद में अब जो पेपर हो रहे हैं, पेपर बाद में होता है, आउट पहले हो रहे हैं, तो काफी कारण हैं जिन कारणों से बीजेपी का पतन होता है। लगता है लोहारू में कांग्रेस अपना वर्चस्व बना पाएगी, क्योंकि सामने मंत्री जी होंगे और सामने क्या प्रभाव मंत्री जी का, क्या दिया मंत्री जी लोहारू का? मंत्री जी ने बताया कि लोहारू हल्के की इतनी सौगात दी है कि आज क्या दिया, 10 साल विपक्ष में लोहारू, गांव में एक भी विकास बता दो, एक भी लड़का नौकरी बता दो सरकारी को लेके, सरकारी नौकरी बिना खर्ची पर्ची की तो यही सरकार है नहीं, खर्ची पर्ची की 10 साल कम से कम 5-20 लाख रुपए लड़के के ऊपर लगा के मेरिट पर लेते हैं, उनको तो रोडों पर घसीट रही, मेडल लेती है लड़की उनको तो रोडों पर घसीट रही है, खर्ची पर्ची क्या करेगी? जो भाड़ बेटियों लेते हैं मेडल लाती है, देश के लिए लाती है, किसानों की लड़कियां होंगी वो, तो आपको दिल्ली में देखा होगा जब कहा थे मंत्री जी नीट की जो परीक्षा का परिणाम, तो लोहारू हल्के में इस चीज का क्या मानते हैं कि कोई टक्कर नहीं होगी? क्या टक्कर ही नहीं है कोई, सामने कैंडिडेट कौन होगा? कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे नेता अलग अलग अपना अपना वजूद बनाए हुए हैं। किसी को भी टिकट देगी ना, सबसे पहला नंबर तो राजवीर फटिया का, बाकी किसी को भी टिकट देगी ना इसको पाख भी नहीं मारने देगा दलाल साहब। एक बहन है, इससे हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने एक प्रतिमा जो है वो राजवीर सिंह फटिया को बना के भेजी। बहन नमस्कार, कहाँ से आए आप? मैं देवराला से हूँ। देवराला से यहाँ स्पेशल किस कारण के लिए? राजवीर फटिया सर को फोटो देने। उन्होंने आपने अपने हाथों से बनाई है, स्केच किया है मतलब आपने, मतलब देखो अपने आप में एक जो प्यार होता है ना किसी भी नेता के प्रति, आज से पहले किसी नेता को ऐसे मिले हो किसी की प्रतिमा बनाने के बारे में सोचा? नहीं नहीं, इन्हीं के बारे में क्यों? ऐसे ही ये अच्छा काम करते हो, बस पास फ्री कर रखी है तो। देखिए भाई लोहारू लोहारू हल्के के अंदर ही नहीं, अगर आप किसी भी बाहर किसी भी हल्के के अंदर निकल के जाएंगे तो बहन बेटियों के प्रति जो प्यार है, क्योंकि बहन बेटियों के प्रति जो उन्होंने कार्य किया है, जैसे आज एक घोषणा की है इन्होंने कि अपने कॉलेज के अंदर अगर कोई भी लड़की एडमिशन लेती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्राइवेट कॉलेज में ऐसी स्कीम देखी कभी? नहीं पहले नहीं देखी, अभी होगा तो अच्छी बात है। हर व्यक्ति का होता है, जब कोई अच्छा काम करता है तो मान सम्मान हर एक चीज होता है। इन लड़की ने देवराड़ा से पहुंच करके राजवीर सिंह फटिया की जो स्केच है उन्होंने अपने हाथों से बनाई और उनको सहप्रेम जो है भेंट की है रावदान सिंह जी के सामने। और ऐसे बहुत सारे प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रतिभाएं वहां पे निकल करके आती हैं जब उनका मन करता है कि मैं इस चीज को बनाऊं, और उन्होंने राजवीर सिंह फटिया से इतना लगाव हुआ कि वो यहाँ पे स्पेशल भेंट करने के लिए यहाँ पे। जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि रावदान सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, नमस्कार। नमस्कार, आज का जो प्रोग्राम हुआ उसका क्या एजेंडा है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए जो आज आपने देखा होगा इस धन्यवादी दौरे के दौरान जो उत्साह लोगों का, वो इस बात का एक प्रतीक है कि आज हरियाणा के अंदर सब कुछ कांग्रेस में ही होता जा रहा,
और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और सत्ता कांग्रेस की स्थापित करेंगे। एक चीज पूछूंगा, लोहारू हलका और एक तोसाम हलका जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोहारू हलका एक मंत्री का गढ़ होते हुए यहाँ से जिताया है और एक जो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता जो मैडम किरण चौधरी रही है उनके गढ़ के अंदर जो है हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने पाला बदल दिया है, इस चीज का कितना फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, 135 साल समझ लो, 1885 से बल्कि 139 साल हो गए समझ लो उसको, वहाँ अनेकों नेता आए और चले गए, कौन परवाह करता है इस बात की। कांग्रेस 100% चुनाव जीतेगी, सब जगह जीतेगी, अब लोगों को समझ में आ चुकी है सत्ता परिवर्तन मस्ट। तो हर हलके में जो ग्राफ बना रहे हैं राजवीर सिंह फलटिया लगातार, आज एक बड़ी घोषणा, क्योंकि दिल जिगरा होना चाहिए ये चीज करने के लिए, बेटियों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इस चीज को किस तरीके से, क्योंकि पूरे हलके तो साम हलका भी ये चाहता है कि राजवीर सिंह फलटिया हमारी तरफ आए, उधर बारडा की तरफ लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ आए। देखिए, जो समाज सेवी होता है, जो हर व्यक्ति के कल्याण की सोचता है, उसे हर कोई व्यक्ति चाहता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी चाहेंगे वहाँ भी चाहेंगे कि एक अच्छा आदमी जहाँ आ जाए वहाँ कम है। आपसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो तोसाम हलके के बारे में थोड़ी सी बातचीत जरूर उन्होंने जरूर की है, और चेयरमैन राजवीर सिंह फलटिया से भी हम एक मिनट की बातचीत जरूर करना चाहेंगे। मैं तो आज एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो धन्यवाद सभा जो थी उसमें तमाम पूरे हलका लोहारू के जो नौजवान साथी जो आए और इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विधानसभा में 15 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो जीत दर्ज की है वो सिर्फ और सिर्फ राजवीर फलटिया में जो सरे है वो हमारे तमाम साथियों को देना चाहता हूँ कि राजवीर फलटिया की टीम के तमाम साथियों ने जो मेहनत करी, उसको जो रंग लाई और उसका परिणाम जो आया, जो कि 15 साल से जो कांग्रेस पार्टी की जो हार हो रही थी वो जीत में जो तब्दील किया, तो मैं तमाम साथियों का उसके लिए धन्यवाद करूंगा। क्या ये धन्यवादी दौरा जो है चुनाव विधानसभा का आगाज हो सकता है? ये विधानसभा का चुनाव में अब कोई देरी नहीं है, 1.5-2 महीने सिर्फ बाकी बचे हैं और आज जिस तरह का आप माहौल देख रहे हो तो ये अपना आप में एक ट्रेलर है और जो फिल्म आने वाली है 2 महीने बाद आप देखोगे कि वो लाखों वोटों में तब्दील हो। लड़कियों के लिए हर बार हमेशा चर्चा में रहते हैं, आज फिर एक और घोषणा आप लोगों ने की है कि लड़कियों के लिए, क्योंकि पढ़ने के लिए फीस देने के लिए जो लोग तत्पर नहीं होते उनके लिए घोषणा आपने की। रोहित भाई, मेरे मन में, मैं दिल से बात करता हूँ, मेरे मन में बड़ी पीड़ा रहती है कि जिन परिवारों में जाता हूँ कि चेयरमैन साहब बेटी तो पढ़ना चाहती है, हुनर होता है, बेटियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन किन्हीं कारणों से फीस नहीं होती, घर वाले भेज नहीं पाते और ये कहते हैं चेयरमैन साहब फीस का जुगाड़ नहीं है, तो मैंने तो सब परिवारों को बराबर समझा है और आज जो घोषणा की है उसमें हमारी बहन बेटियों के लिए जो कॉलेज में जितनी भी सीटें हैं उसमें हम उन बहन बेटियों को फ्री में शिक्षा देने का काम करेंगे, वो इस साल के जो नए एडमिशन है उनको भी और जो पुराने एडमिशन है उनको भी आगे इस साल की कोई भी 1 रुपया भी फीस नहीं ली जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे थे, राजवीर सिंह फलटिया ने बताया कि अपने दिल के करीब उन्होंने बताया कि लड़कियों से हमेशा वो प्रेम करते हैं और एक ऐसा परिवार जो अपनी बहन बेटियों को पढ़ा नहीं सकता है उनके लिए उन्होंने अपने सिंघाणी कॉलेज के अंदर एक घोषणा की है कि कोई भी लड़की अगर कॉलेज के अंदर इस साल एडमिशन लेती है तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे दाखिला दिया जाएगा। और रावदान सिंह ने भी धन्यवादी दौरे को एक बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक नया आगाज होगा और लोहारू हलके के अंदर एक बहुत बड़ा महामुकाबला जो है देखा जा सकता है। किरण चौधरी को लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा किरण चौधरी के जाने से, उन्होंने तमाम बातों का सवालों का जवाब दिया। क्या कहना, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की? हम तो नहीं बताना था, बीजेपी ने दुखी कर दिया, हम एक तो उनका कागज पूरा नहीं हो रहा, बीजेपी ने दुखी कर दिया। अच्छा, और पत्रकार साहब ये एक तो आन गए ऑनलाइन दुखी करे हैं, किसे बालक कर किसे का ये ऑनलाइन खत्म नहीं हो, काम कितने करे आए लाइन वो भी लाइन में खुद डला दिया ने सारा। हाँ, मतलब ये लोहारू हलके के अंदर जिस प्रकार का आगाज है, हर समय राजवीर सिंह फलटिया एक प्रोग्राम जो एक धन्यवादी थोरा था इसको एक रैली के रूप में तब्दील कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? राजवीर फलटिया जी का आज नाम है देश में, आज देश नहीं विदेशों में भी नाम है और वो इसलिए है कि वो समाज सेविक हैं, समाज सेवा करते हैं वो और निस्वार्थ करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो जनसेवा का जो भावना है वो उससे से उनका बहुत बड़ा नाम है और राजनीति में आए हैं तो निस्वार्थ आए हैं, बहुत कम लोग आते हैं अपना स्वार्थ लेकर राजनीति में आते हैं,
ऐसे लोग होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मतलब भविष्य की बातें करते हैं जो भी नेता लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने तो वर्तमान में मतलब पास्ट में करके दिखा दिया। देखिए ये तो बात है कि जब वो किसी पद पे नहीं उसके बाद इतनी सेवा की है, जब वो पद पे आ जाएंगे तो वो कितनी सेवा करेंगे आप समझ सकते हैं। वो एक अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है। दो महीने बचे हैं, तैयारियों में जुट चुकी है, बीजेपी की बात करें कांग्रेस पार्टी की बात करें, कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछली बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोहारू हल्के में घूमेंगे, हमारे साथ लगता हल्का है, नलवा हल्के के साथ लगता है, तो अगर हल्के में घूमेंगे तो हर जगह जन जन में आवाज है कि राजवीर फटिया, राजवीर फटिया। धन्यवाद। अनिल मान जी हैं, इनसे स्पेशल इंटरव्यू करेंगे और नलवा हल्के के अंदर इनका भी एक बड़ा नाम है। तमाम तस्वीरें बहुत कुछ व्यक्त कर रही हैं इस लोहारू हल्के के अंदर। तो देखो हलचले पैदा हो चुके हैं, लेकिन अलग अलग हलकों के अंदर अलग अलग नेता अपनी हलचले पैदा करने में लगे हुए हैं। तमाम तस्वीरें बहुत कुछ व्यक्त कर रही हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।